स्कूल गया था, नौवीं पढ़ के हट गया। नौवीं पढ़ के पार्ट गया, क्यों? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, कौन सी क्लास में हो? सेवंथ में। सेवंथ जी। अमेन सागर, अमेन सागर आप क्या करते हो? नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे एक न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की व्लॉग में आपको बताने वाला हूँ कि हिंदू लोग पाकिस्तान में किस तरह रहते हैं, यानी कि हम लोग पाकिस्तान में किस तरह रहते हैं, अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं और अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए क्या कुछ काम करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सब कुछ बताऊँगा अपने इस व्लॉग में कि हिंदू पाकिस्तान में किस तरह रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे साथ मौजूद है मेरा कज़न, आप देख सकते हो मेरे साथ खड़ा है। तो अभी आए हुए थे हम खेतों में, क्योंकि खेतों में गंदम की बिजाई हो रही है ना, तो हम वहीं पे आए हुए थे। तो ये है मेरा कज़न जो कि मेरे साथ आया हुआ था, मैं इनसे भी आपको मिलवाता हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिलीप। दिलीप कुमार। दिलीप कुमार क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, कौन सी क्लास में हो? सेवंथ में। सेवंथ में। अच्छा, आप खेतों में क्या करने आए हुए अभी? अभी अब्बू को चाय देने। अच्छा, इसमें चाय है? यस। तो अब्बू जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बिजाई कर रहे हैं। किसकी? कनक। तो दोस्तों, मैं अब जा रहा हूँ कुछ आगे, कुछ लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी ये आप मेरे पीछे देख रहे हो ना खेत, इसके अंदर कुछ गोबर वगैरह होती है, वो डाली गई है। कहा जाता है कि इसे खेतों में डालने से पैदावार बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इन लोगों ने ना अपने खेतों में गोबर डाल रखी है ताकि पैदावार अच्छी हो। तो व्यूज़ खेतों का काफ़ी प्यारा आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, हमारे यहाँ जो ज़्यादातर 90% लोग हैं ना, वो खेती बाड़ी में ही काम करते हैं और उन्हीं से अपनी घर की ज़रूरियात वगैरह पूरी करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक। क्या नाम है आपका? मनोवर कुमार। मनोवर कुमार। मनोवर कुमार क्या करते हैं आप? छुट्टियाँ बांटते हैं, गाय चराते हैं। गायें चराते हो? यस। तो भाई साहब, आपकी तो पढ़ने की उम्र है, आप गायें चरा रहे हो, स्कूल वगैरह नहीं जाते? स्कूल गया था, नौवीं पढ़ के हट गया। नौवीं पढ़ के पाट गया, क्यों? वैसे दिल नहीं किया। दिल नहीं किया पढ़ने का। अच्छा, आप दिन में कितनी लकड़ियाँ काट लेते हो? 5-6 किलो। 5-6 किलो। आपके पास गायें कितनी है? 9 गायें। 9 गायें। 9 बकरियाँ। अच्छा, धन्यवाद। तो यहाँ पर भी हमारा एक भाई साहब लकड़ियाँ काट रहा है, हम इनसे भी बात करते हैं। जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक। क्या नाम है आपका? साजन राम। साजन राम। साजन राम आप क्या करते हो? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। इतनी उम्र आप खेती बाड़ी करते हो? जी। खेती बाड़ी कर लेते हो आप? यस। अच्छा, ठीक ठीक। तो आप अभी लकड़ियाँ काट रहे हो, आपके पास भी जानवर रखे हुए हैं क्या? जी हाँ, जानवर है। क्या यार, जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम। क्या हाल है भाई साहब? बहुत अच्छे। आपका क्या नाम है? अमेन कुमार। अमेन सागर। अमेन सागर। जी। अमेन सागर। अमेन सागर आप क्या करते हो? हम यही काम कर रहे हैं। ये क्या, खेती बाड़ी? जमीन आपकी अपनी है? नहीं, जमीन आपकी अपनी नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये सब कुछ मालूम हो गया होगा कि हम हिंदू लोग पाकिस्तान में किस तरह रहते हैं और अपनी घर की जरूरत पूरी करने के लिए क्या काम करते हैं। तो जो ज़्यादातर पाकिस्तान में 90% लोग हैं ना, वो खेती बाड़ी करते हैं और जानवर रखे हुए हैं और उनसे ही अपनी घर की जरूरत वगैरह पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड।